को यहाँ पर रोकेंगे और इस वक्त पुतिन के करीबी अभय सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सर, आप ये पूरा वाकया एक बार समझाइए, किस तरीके से यह हमला हुआ और इतना नजदीक आके ड्रोन कैसे पहुंच गया? नमस्कार। देखिए, अब कैसे पहुंच गया ये तो यूक्रेनियन लोग ही बताएंगे, लेकिन आज रात में 2:30 पे पहला ड्रोन का अटैक हुआ, 2:33 पे दूसरा ड्रोन आया जो कि करीब करीब क्रेमलिन के छत तक पहुंच चुका था, उसको वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये तो अटैक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि पिछले 14 महीने से हमारे यहाँ यूक्रेन में ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन एक बार भी रूस का कोई भी रॉकेट राष्ट्रपति भवन पे नहीं गिरा, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री पे गिरा है, उनके डिफेंस के अलग अलग छावनियों पे गिरा है, लेकिन राष्ट्रपति भवन पे एक भी अटैक नहीं हुआ। लेकिन ये जो हमारे क्रेमलिन पे जो अटैक है, ये बड़ी ही दुखद समाचार है, ये बड़ा ही दुखद कदम है उनके तरफ से। अबे जी, 9 मई विक्ट्री डे, उससे पहले यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इतना बड़ा हमला, इसकी साजिश जिसे नाकाम तो कर दिया गया, लेकिन आपको लगता है कि यूक्रेन ये सिर्फ अपने दम पर कर सकता है, क्योंकि अभी तक तो वो बाकी देशों के दम पर टिका हुआ है आर्थिक और सैन्य मदद को लेकर, या फिर कुछ और भी इसके पीछे बड़ी साजिश अभय जी आपको नजर आती है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन को बैकिंग करने वाले कुछ ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि इस युद्ध को बड़े ही बुरे कगार पे इसको ले जाया जाए, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हो, एटम बम का युद्ध हो, उसको ये लोग आग में घी डालने का काम करवा रहे हैं, उनका उनकी मदद हो सकती है यहाँ पे। लेकिन अभी जो क्रेमलिन पे अटैक की कोशिश हुई, ये तो हमारे तरफ से भी उल्टा उनके राष्ट्रपति भवन पे अटैक करने का रास्ता खोल दिया है। तो इसके पीछे मेरे ख्याल से यूक्रेन है, यूक्रेन तो है ही है, उसके पीछे दूसरे कंट्री का भी हाथ हो सकता है। जी अभय सिंह जी, 9 मई को विक्ट्री डे भी है, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि वाकई ये बड़ी साजिश यहां पर रची गई है और पुतिन को यहां पर साफ तौर पर जान का खतरा है? पुतिन पे ही नहीं, रशिया के अलग अलग स्टेट में बहुत सारे जगहों पे ड्रोन का खतरा है, और अभी तो विक्ट्री डे 9 मई को इसकी तैयारी हो रही है, हालांकि पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों के मन में जोश है और सरकारी तौर से तो विक्ट्री डे को मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल को खराब करने के लिए, लोगों के मूड को खराब करने के लिए और अंदर में हताश लाने के लिए स्पेशल ये सब काम किया गया है। ये छोटे से दो ड्रोन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को हताश करने के लिए ये किया जा रहा है। अभय जी, अभी आपने बहुत साफ शब्दों में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर अगर हमला करने की ये साजिश है, तो अब रूस को भी ये हमला करने का अधिकार मिल चुका है कि वो अब राष्ट्रपति भवन, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन पर जो रास्ता हमले का है वो खुल गया है। माना जाए आप लोगों का अगला कदम अब यूक्रेन का राष्ट्रपति भवन ज़ेलेंस्की का ठिकाना हो सकता है? देखिए, अभी तो समय से पहले मैं नहीं बता सकता हूं, और अब वेट कीजिए राष्ट्रपति भवन का जो हमारे यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो भी आएगा या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि रास्ता हमारे तरफ से खुल चुका है। जी, रास्ता यहाँ पर आपकी तरफ से जरूर खुल चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जो आप कार्रवाई करेंगे वो और ज्यादा भीषण हो सकती है, और ये हमला उनकी ओर से नहीं किया गया है, यूक्रेन के सांसद की ओर से कहा गया है। ये तो उनके कहने की बातें हैं, और आपको तो पता ही होगा लास्ट नाइट आज की रात में इतनी ज्यादा उनकी कैजुअल्टी हुई उनके सोल्डर्स की, और इसी के जवाब में उन्होंने ये कार्रवाई की है, इसकी कोशिश की है। अभय जी, हिंदुस्तान हमेशा से शांति कायम करने में विश्वास रखता है, लेकिन आपको लगता है अब ये जो हमला हुआ है, अब किसी तरह से रूस यूक्रेन महायुद्ध में शांति की गुंजाइश बची नहीं है? बहुत बड़ा हमला या बहुत बड़ा मुकाबला अब रूस की तरफ से मुंह तोड़ जवाब के तौर पर? अभय जी, देखिए, यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन ये तो पुराने हमारे रशियन लोग ही हैं, और
और कभी ये सोवियत यूनियन एक देश हुआ करता था, इसलिए अब सोच विचार करके क्रेमलिन को स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका जवाब करना ही होगा। जी अभय जी, फिलहाल पूरे क्रेमलिन में किस तरीके के हालात हैं? पूरे रूस की अगर बात की जाए तो कहां कहां पर फिलहाल अलर्ट है आपकी तरफ से? पूरे देश में हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। मॉस्को में किसी भी ड्रोन को, प्राइवेट ड्रोन, खिलौने वाले ड्रोन, सारे ड्रोन्स को बैन कर दिया गया है आज से, और इस तरह की प्रिकॉशन ली जा रही है अलग अलग स्टेट में भी। अबे जी, आप पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, ऐसे में यह सवाल आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या रत्ती भर भी आप लोगों को इस बात का शक था, 1% भी आपको इस बात का शक था कि इस तरह से एक बड़ा हमला ड्रोन के जरिए सीधे सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हो सकता है? किसी तरह से कोई शक था आप लोगों के जहन में? शक तो था ही, हमारी सारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और क्रेमलिन की जो सिक्योरिटी है वो कई सर्किलों से घिरी हुई है। तो मेरे को ये नहीं लगता है कि ये ड्रोन यूक्रेन से चल के आया है। ये ड्रोन किसी यूक्रेन के लोगों ने, मेरे मेरा पर्सनल ख्याल है, रशिया में आकर यहां से उड़ाया है। मेरे मेरे ख्याल से यही लगता है। जी अभय जी, आप क्योंकि बेहद करीबी है, भी हैं पुतिन के, ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से जो रुख अख्तियार होगा पुतिन की ओर से, क्या वो ज़ेलेंस्की के खात्मे की वजह बनेगा? हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं इस चीज को नहीं चाहता हूं। अब तो जेलेंस्की को देखना चाहिए कि उनके देश की कितनी क्षति हो रही है। 14 शहर नहीं है उनके, 14 शहर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और भी कई शहर को उनको डिस्ट्रॉय करवाना है। अब उनको सोच करके कोई बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए था, या तो सेंडर करे, या कॉम्प्रोमाइज करे, या फिर अपने जो बैकिंग करने वाले उनके देश हैं उनसे परमिशन लेके कोई उनको डिसीजन लेना चाहिए मेरे जी ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी अभय जी हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब अगला कदम यहां पर उठाया जा सकता है, और वो अगला कदम कितना खौफनाक होगा क्योंकि उसका खुद का रास्ता यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया है।